तो चलिए फ्रेंड्स कंटिन्यू करते हैं मनी और बैंकिंग नाम की सीरीज को, जिसमें कि हम आज पढ़ेंगे मनी के फंक्शंस के बारे में। मैंने आपको बताया अभी हम मनी के बेसिक्स पढ़ रहे हैं, मनी के बिल्कुल बेसिक लेवल की बातें कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम एडवांस लेवल पे आएंगे, अभी तो आपकी केवल एक क्लास हुई है, आपकी सेकेंड क्लास है। आगे बढ़ेंगे, मनी के एडवांस लेवल पे आएंगे। एडवांस पर पहुंचने से पहले उसका बेसिक तो जान लो। जिन बच्चों को बेसिक भी नहीं पता, वो एडवांस पर किस प्रकार पहुंचेंगे? तो भाई बिल्कुल जीरो से हीरो बनाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जाऊंगा। तो आज बेसिक की सेकंड क्लास में हम लोग जानेंगे कि भाई मनी के फंक्शन क्या है। तो भैया मनी के तीन टाइप के, कितने बोला मैंने? तीन टाइप के फंक्शन होते हैं। सबसे पहला है प्राइमरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन का मतलब है कि जब मनी पहली पहली बार आया, तो आते ही उसने कौन कौन से काम किए? तो मनी ने आते ही पहले ये दो काम किए, इसको बोला गया प्राइमरी फंक्शन। उस दो के अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा काम किए, ये दो तो बहुत मेन थे, उसके अलावा कुछ और भी एक्स्ट्रा काम किए जिनको बोला गया सेकेंडरी फंक्शन। फिर उसके अलावा मनी ने हमको सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करने के लिए भी बहुत सारे काम किए, तो इसको बोला कंटिंजेंट फंक्शन। तो प्राइमरी पढ़ेंगे, सेकेंडरी पढ़ेंगे और कंटिंजेंट। तो कुल मिला के आपको ये पांच और पांच दस फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने प्राइमरी फंक्शन से, ठीक है। बिल्कुल बेसिक चल रहे हैं, तो प्राइमरी फंक्शन को काफी आराम से समझने का प्रयास करते हैं। जब पहली पहली बार मनी आया, तो मनी का सबसे पहला फंक्शन था मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब है कि आज की डेट में कुछ भी एक्सचेंज करना हो तो विद द हेल्प ऑफ मनी आप एक्सचेंज कर सकते हो। पहले के टाइम पर मनी नहीं था, तो चीजें एक्सचेंज करना काफी मुश्किल था, क्योंकि उसके पास जो है, क्या पता वो मेरे पास ना हो, सॉरी उसको जो चाहिए क्या पता वो मेरे पास ना हो, और मेरे को जो चाहिए क्या पता वो उसके पास ना हो। तो पहले के टाइम पे, गुड्स के टाइम पे एक्सचेंज करना काफी मुश्किल था। लेकिन जब से मनी आया है, तो अब आपकी जेब में पैसा है, जिससे जो खरीदना खरीदो, पैसा दो सामान खरीदो। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने का, चीजों की अदला बदली करने का ये एक मीडियम है, ये एक सोर्स है कि मनी के माध्यम से, मनी की सोर्सेस से, मनी की हेल्प से हम गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज कर सकते हैं। तो मनी का पहला काम क्या है? गुड्स एंड सर्विस को एक्सचेंज करने का एक सोर्स है, एक मीडियम है। उसके बाद मनी का दूसरा काम क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू। बार्टर एक्सचेंज में गुड्स के बदले गुड्स को एक्सप्रेस करते थे कि भाई मेरी ये जो भेड़ है, इसकी वैल्यू ये, या मेरी भैंस की वैल्यू ये मेरी, समझ में आ गया? पहले नहीं था मनी, लेकिन जब से मनी आया है, तो मनी का सेकंड काम क्या है? अब हम हर एक चीज को मनी की टर्म्स के अंदर मेजर कर सकते हैं। और जब से चीजों को मनी की टर्म्स में मेजर किया गया, तो उनका कंपैरिजन करना भी आसान हो गया, बिकॉज अब ये चीज भी मनी में है और ये चीज भी मनी में है, तो आपस में कंपेयर कर लो। पहले चीजें कंपेयर करना काफी मुश्किल था। मान लो यहाँ पे मेरे पास एक भैंस है, यहाँ पे एक भैंस है, इस एक भैंस की वैल्यू मैंने बोली चार मुर्गी, इस एक भैंस की वैल्यू मैंने बोली एक बकरी। जरा बताना कौन सी भैंस की वैल्यू ज्यादा, कौन सी भैंस की वैल्यू कम है? आप नहीं बता पा रहे, बिकॉज आप मुर्गी को बकरी से कंपेयर नहीं कर सकते। मैंने बोला मेरी भैंस की वैल्यू चार मुर्गी, इस भैंस की वैल्यू एक बकरी, बताओ कौन सी भैंस सस्ती, कौन सी भैंस महंगी? आप उन मुर्गी को बकरी से कंपेयर नहीं कर, लेकिन मैंने बोला ये भैंस 80,000 की, ये भैंस 1,00,000 की, अब कंपेयर कर लिया ना, ये सस्ती है ये महंगी है। तो जब से मनी आया, तो हमने चीजों को मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो मनी ने क्या किया? मनी का सेकंड काम मेजर ऑफ वैल्यू। अब हम किसी भी वैल्यू को, किसी भी चीज को, किसी भी वस्तु को आराम से मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। तो भाई साहब मनी के दो प्राइमरी फंक्शन है, पहला एक्सचेंज करने का सोर्स आया, कुछ भी खरीदना बेचना हो मनी की हेल्प से खरीदो और बेचो, और दूसरा हर चीज की वैल्यू को आज मनी के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं और उन्हें आराम से कंपेयर कर सकते हैं। ये थे मनी के दो प्राइमरी फंक्शन। अगर बात करें मनी के बच्चों सेकेंडरी फंक्शन की, तो मनी का सेकेंडरी फंक्शन है जिसमें कि सबसे पहला स्टोर ऑफ वैल्यू, कि भाई बार्टर एक्सचेंज में गुड्स को, प्राइम टाइम में गुड्स को एक्सचेंज करना काफी मुश्किल था। गुड्स के खराब होने का डर था, गुड्स के चोरी होने का डर था, गुड्स के सड़ जाने का डर था। इतना सारा स्पेस कहाँ से लाया? अगर मैं घर में भैंस ले आया दो, तो भाई दो भैंस को मैं स्टोर कहाँ पे करूँ? लेकिन जब से मनी आया है, तो मनी को स्टोर करना काफी आसान, बिकॉज मनी ज़्यादा स्पेस नहीं लेता स्टोर होने के लिए। आप मनी को स्टोर कर दोगे, इतने से स्पेस में आपके लाखों रुपए आसानी से स्टोर हो सकते हैं। तो मनी को स्टोर करना काफ़ी आसान है, आप उसको बैंक में स्टोर कर लो, घर के लॉकर में स्टोर कर लो। दूसरा भाई बार्टर एक्सचेंज में आज आपने कोई वैल्यू स्टोर करी,
काफी कुछ समय बाद वो उसकी वैल्यू घट जाएगी, वो वस्तु खराब हो जाएगी। आज आपने टमाटर स्टोर किए, बाटर एक्सचेंज में एक हफ्ते बाद टमाटर सड़ जाएंगे, लेकिन अगर आज आप 1,00,000 रुपये स्टोर करोगे तो आपको 2 साल बाद वो 1,00,000 रुपये ही मिलेंगे। अगर आपने 100-100 के 1,000 नोट रखे तो 2 साल बाद वो 100-100 के 1,000 नोट ही आपको मिलेंगे। तो भैया मनी को स्टोर करना काफ़ी आसान है एज कम्पेयर टू बाटर एक्सचेंज। दूसरा ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, बेटा बाटर एक्सचेंज में गुड्स को ट्रांसफर करना काफ़ी मुश्किल था कि मैं गुड्स को यहाँ से वहाँ तक ट्रांसफर कैसे करूँ। मैंने एग्जांपल लास्ट क्लास दिया था कि मेरा दोस्त 100 किलोमीटर दूर रहता है, उसको भैंस की नीड है, तो भैया मैं यहाँ से वहाँ तक भैंस कैसे भेजूँ। लेकिन आज की डेट में क्या है, उसको भैंस की नीड है ना, तो उसको सिर्फ पैसा भेजूंगा, भाई तुम मेरे पास से पैसा ले ले और वहीं पर कोई भैंस खरीद ले। तो बेटा चीज़ों को ट्रांसफ़र करना काफ़ी आसान हो गया विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी की हेल्प से आज आप किसी भी प्रॉपर्टी को विद द हेल्प ऑफ मनी ट्रांसफ़र कर सकते हो। पहले के टाइम पे प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करना इम्पॉसिबल था, ज़मीन खरीदना बेचना गुड्स के टर्म्स में इम्पॉसिबल था, लेकिन जब से मनी आया है आप लैंड बिल्डिंग इन चीज़ों को खरीद सकते हो और एक दूसरे के नाम पर ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। उसके बाद स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, बेटा विद द हेल्प ऑफ मनी डेफर्ड माने क्या होता है, फ्यूचर। बेटा फ्यूचर की पेमेंट मतलब लोन और प्रिंसिपल, बेटा इसको कैलकुलेशन करनी आसान हो गई, मतलब फ्यूचर पेमेंट का एक स्टैंडर्ड बन गया। पहले फ्यूचर पेमेंट का कोई भी स्टैंडर्ड नहीं था, उसको कैलकुलेट नहीं कर पाते थे। बाटर एक्सचेंज में प्रिंसिपल और उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करना आसान था। एग्जाम्पल के तौर पर बाटर एक्सचेंज में मान लो कि मैं सूखे के टाइम पे गांव के साहूकार से महाजन से टमाटर लेके आया 1 किलो, ठीक है, या मानो 10 किलो। अब जब मैं नेक्स्ट टाइम उस टमाटर की पेमेंट करूंगा, जो लोन लेके आया मैं 1 किलो टमाटर 10 किलो टमाटर लेके आया, अब जब नेक्स्ट टाइम मैं लोन की पेमेंट करूंगा, क्या जरूरी है जिस क्वालिटी के टमाटर मैं लेके आया था मैं सेम उसी क्वालिटी के टमाटर आपसे करूंगा। इट मीन्स क्या, आपने लोन लिया लेकिन लोन की पेमेंट आप जब कर रहे हो तो वो लेवल नहीं है ना। आप अच्छे टमाटर लेके आए थे लेकिन टमाटर इस बार आपके सड़े हो गए, खराब हो गए, और आप खराब टमाटर आपसे कर रहे हो। तो बाटर एक्सचेंज में लोन लेना और उसकी पेमेंट करना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज आप सेम क्वालिटी की वस्तु को नहीं वापसी कर सकते थे जो आपने यूज़ कर ली। लेकिन मनी के केस में ऐसा नहीं है, मैं अगर 1,00,000 रुपये लेके आया तो मैं वापसी 1,00,000 रुपये ही करूँगा, वहाँ पर वैल्यू घटेगी नहीं, वहाँ पर वैल्यू बढ़ेगी नहीं। तो मनी की हेल्प से फ्यूचर पेमेंट करना काफ़ी आसान हो गया, उनको एक लेवल मिल गया, उनका एक स्टैंडर्ड बन गया। इसको बोला गया मनी के सेकेंडरी फंक्शन। अच्छा, अगर बात करें मनी के कंटिंजेंट फंक्शन की, तो बेटा कंटिंजेंट फंक्शन का मतलब वो होता है जी कि मनी से हमें क्या क्या हेल्प मिली, मनी से हमें क्या क्या सुविधाएं मिली, मनी ने हमें क्या क्या सेटिस्फैक्शन दी। तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेशनल इनकम। अगर मनी नहीं होता, अगर पैसा नहीं होता, तो नेशनल इनकम देश में कभी कैलकुलेट नहीं हो पाती। बेटा मनी आया, पैसा आया, तो देश की नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना आसान हुआ, और कैलकुलेट करने के बाद उसका डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होना चाहिए, नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार होना चाहिए, प्राइमरी सेक्टर में कितना, सेकेंडरी में कितना, टर्शरी में कितना, या फिर लैंड को कितना जाएगा, लेबर को कितना जाएगा। याद है ना आप लोगों को, प्रोडक्शन के 4 फैक्टर लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर पढ़ा रखा है, कि लैंड को कितना जाएगा, लेबर को कितना जाएगा, कैपिटल पे कितना, एंटरप्रेन्योर पे कितना, इन सबको बढ़ता है पैसा। तो ये सारी की सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ मनी आसान हुई, मनी आया तो इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो गया। प्राइमरी में कितना, सेकेंडरी में कितना, टर्शरी सेक्टर में कितना, इनको डिस्ट्रीब्यूट करना आसान हो गया। तो मनी की हेल्प से नेशनल इनकम की कैलकुलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों आसान हो गई। दूसरा मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। बेटा मनी हमको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है। आज आपको कुछ भी खरीदना हो, किसी भी चीज़ से आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है। अगर आज आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है बर्गर से, भैया पैसा दो बर्गर खरीदो, क्या मिल गई, सेटिस्फैक्शन। अगर आज आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है मान लो ब्रांडेड कपड़ों से, भैया पैसे दो ब्रांडेड कपड़े लो, क्या मिल गई, सेटिस्फैक्शन। तो मनी आपको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करता है, जिस भी चीज़ से आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है बेटा पैसा फेंको सेटिस्फैक्शन लो, तो इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। उसके बाद बेसिस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। बेटा क्रेडिट क्रिएशन का मतलब होता है उधार, साख, उधार का क्रिएट करना, उधार देना। बेटा मनी है, इसी वजह से आज हम उधार ले पा रहे हैं, उधार दे पा रहे हैं। अगर मनी ना होता तो उधार को लेना या उधार को देना काफ़ी मुश्किल होता, लेकिन विद द हेल्प ऑफ मनी क्रेडिट क्रिएशन काफ़ी आसान हो गया। इवन
क्रेडिट क्रिएशन नाम का एक पूरा एक प्रॉपर टॉपिक है जो कि मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, लेकिन यहाँ पर बस इतना जान लो, मनी है तो उधार लेना और उधार देना काफ़ी आसान हो गया। उसके बाद बियरर ऑफ ऑप्शन है बेटा, बियरर ऑफ ऑप्शन, इसका मतलब क्या है बेटा? बियरर का मतलब होता है वो व्यक्ति जिसके पास मनी है, जिसके जिसने मनी को होल्ड कर रखा है। अगर मेरे पास पैसा है, मैंने पैसे को होल्ड कर रखा है, तो मैं कौन हूँ? बियरर। बच्चों मैं कौन हूँ? बियरर। तो बियरर ऑफ ऑप्शन का मतलब है जिस इंसान के पास पैसा है, जिस इंसान ने पैसे को होल्ड कर रखा है, बेटा उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, बिकॉज अब वो उस पैसे से दुनिया में जो चाहे वो परचेस कर सकता है। ठीक है, जिस इंसान के पास पैसा है उसके पास क्या आ गई? उसके पास परचेजिंग पावर आ गई, और वो अब अपनी परचेजिंग पावर से किसी भी चीज़ को खरीद सकता है, वो मनी को किसी भी जगह यूज़ कर सकता है। उसके पास बहुत सारे ऑप्शन आ गए मनी खरीदने के और मनी को यूज़ करने के। इसे क्या बोला गया? बियरर ऑफ ऑप्शन, कि जिस इंसान के पास पैसा है उस इंसान के पास बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं कुछ भी खरीदने के लिए। और आखिरी है गारंटी ऑफ सॉल्वेंसी। बेटा एक होता है सॉल्वेंट, एक होता है इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट माने जो दिवालिया हो गया, जिसके पास पैसा नहीं है वो व्यक्ति दिवालिया माना जाता है, वो इनसॉल्वेंट हो गया। लेकिन अगर आपके पास पैसा है, आपके पास मनी है, तो गारंटी है कि आप सॉल्वेंट हो, आप दिवालिया नहीं हो। मनी हमें एक गारंटी देता है कि अगर किसी इंसान के पास मनी है, तो मनी एक गारंटी देता है कि अगर किसी इंसान के पास मनी है तो वो इंसान कभी दिवालिया कौन होता है? दिवालिया वो होता है जिसके पास कोई पैसा नहीं है। लेकिन जब से लोगों के पास पैसा आया, लोगों ने पैसे को सेव करना स्टार्ट किया, पैसे को होल्ड करना स्टार्ट किया, लोग दिवालिया नहीं हुए। मनी एक गारंटी देता है कि अगर आप मेरे को अपने पास रखो, मनी बोलता है मैं मनी हूँ, मनी बोलता है अगर आप मेरे को अपने पास रखो तो मैं कभी भी आपको दिवालिया होने नहीं दूंगा। तो मनी एक गारंटी प्रोवाइड करता है सॉल्वेंसी की, कि आप सॉल्वेंट हो, आप दिवालिया नहीं हुई, आपके पास क्या है? मनी। जिस इंसान के पास मनी नहीं होता उसको दिवालिया कहा जाता है। तो ये है बेटा मनी के कंटिंजेंट फंक्शन। तो मनी के 10 फंक्शन आपको मैंने पढ़ाए, ठीक है। अब ये 10 फंक्शन बच्चों इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि देखो अगेन मैंने बोला आपका जो पेपर का लेवल है वो काफ़ी अपर लेवल है। आपके पेपर में ये नहीं आएगा कि मनी के फंक्शन लिखो 10 नंबर में। ये बेसिक्स है जो कि आपको पता होने चाहिए, बट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हाँ इन सब के पॉइंट की नॉलेज होने चाहिए। इसलिए मैंने आप देखोगे इनको मैंने एक्सप्लेन किया, लेकिन इनकी रीडिंग नहीं करवाई मैंने। रीडिंग करवाता काफ़ी टाइम जाता, वीडियो काफ़ी लेंदी होती, और एग्जाम पर्पस के लिए हमको इनको डीप में पढ़ने की नीड नहीं है, बस इनका मतलब पता होना चाहिए। अगर आपको इनको भी डिटेल में पढ़ना है तो भैया फंक्शन ऑफ मनी के ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो भी बना रखी है, ठीक है। तो उसका भी वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। अगर आपको डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़ने हैं मनी के फंक्शन, एक एक लाइन पढ़नी है, तो भाई आधे पौने घंटे की वीडियो है, उसको देख लो। बाकी जितना मैंने पढ़ाया, अगेन बोल रहा हूँ, मनी और बैंकिंग नाम की सीरीज के लिए जिस अकॉर्डिंग मैंने फंक्शन पढ़ाया बेटा सफिशिएंट है। आपको डीप में नहीं जाना, ये बेसिक है। आपके पेपर में इतनी बेसिक बात नहीं आएगी, पेपर में आएगी एडवांस लेवल वाली बातें। जब मैं एडवांस लेवल पे आऊँगा उस चीज़ को मैं काफ़ी डिटेल में लाइन बाय लाइन पढ़कर ही समझाऊँगा, ठीक है। तो ये थे मनी के फंक्शन, तो ये भी हमारे ख़त्म होते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है बेटा, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और मनी के हम कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ये देखो आपको सिलेबस का पार्ट है, आपको पढ़ना चाहिए, और आपको मनी के बारे में इतना पता भी होना चाहिए। आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो मनी और बैंकिंग, तो इतनी बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। कोई आपसे पूछ ले कि भाई मनी बैंक पढ़ रहे हो, मनी के कंटिंजेंट फंक्शन क्या है, तो आपको इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। बेटा मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों का लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें। चलिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।